सीधा तर्क लगाते हैं फर्स्ट, आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा, तो दोबारा से 63 पे चलते चलते पे डिप मार रही है। अभी जैसे हमने थर्ड मोड पे किया था, ये 62 वोल्ट पे आ गई है, देखिए बैटरी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है ऑलरेडी, उसकी जो माइलेज आपको आ रही है उसको आपने इंक्रीज कैसे करना है, उसकी बैटरी को सेफ कैसे रखना है और उसकी बैटरी की जो लाइफ है उसको कैसे बढ़ाना है। ये तीनों चीजों पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम एक तो ये करेंगे बात के इसकी माइलेज कैसे बढ़ाएं, बैटरी सेफ कैसे रखें, और इसको यहाँ पे बैठ कर भी डिस्कस करेंगे, कुछ बातें यहाँ पे बैठ के भी बताएंगे, फिर बाद में स्कूटर को ड्राइव करके उसका सारा सिस्टम भी बताएंगे कि आपने स्कूटर को ड्राइव कैसे करना है। और वीडियो को शुरू करते हैं, अभी सारा डिटेल देते हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करेंगे कि आपने स्कूटर को चार्ज कैसे करना है, चार्जिंग का सिस्टम उसका बताएंगे। अगर आपने अपने स्कूटर की बैटरी जो है उसको बढ़िया तरीके से रखना है तो उसको कैसे चार्ज करना है। सबसे पहले आपको मेन बात बता दूं, कोई अगर आपके पास लेड एसिड है या लिथियम स्कूटर है उसको आपने कभी भी जीरो डेड नहीं करना, मतलब बिल्कुल खाली नहीं करनी उसकी बैटरी। जो आपके पास अगर वोल्टेज मीटर है तो वोल्टेज के हिसाब से देख के, वो भी आगे वीडियो में बताएंगे कैसे वोल्टेज देखनी है, वोल्टेज देख के भी आप उसको उतना डाउन कर सकते हो बैटरी को। या उसके अगर जैसे उसमें सेल आते हैं 1, 2, 3, 4, जब 5 सेल है उसमें या 4 सेल है या 3 सेल है, वो एक सेल उसमें अभी आपका रहता हो और उसको चार्ज आपने लगा देना है, बिल्कुल भी उसको आपने जीरो कभी भी बैटरी को नहीं करना है। और दूसरी बात, जीरो से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर आप बैटरी को अपनी को जीरो करते हो तो आपकी बैटरी जल्दी जो है वो खराब होगी, और अगर इसको आप फुल करते हो उससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना उसको डेड करने पे दिक्कत आती है। और अगर आपको जरूरत नहीं है, आपकी स्कूटर की बैटरी की कैपेसिटी है 50 किलोमीटर चलने की और आपने डेली 30-35 किलोमीटर ही चलाना है, तो आप उसको बैटरी को 80% तक चार्ज कीजिए और उसको उसके बाद उसका चार्जर जो है वो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कभी भी जरूरत ना हो तो उसको फुल नहीं करना आपने। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को कौन से मोड पे चलाना है, पहले मोड पे चलाना है, दूसरे मोड पे चलाना है, तीसरे मोड पे चलाना है। अगर आप उसको पहले मोड पे चलाओगे तो उसकी जो माइलेज है वो बहुत अच्छी आएगी, वो बढ़िया आएगी, सही निकल के माइलेज आएगी। दूसरे मोड पे अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप दूसरे मोड पे चला सकते हो, और ये आपको आगे ना ड्राइव करके भी बताएंगे कि आपने अपना थ्रोटल कैसे रखना है अगर आपने दूसरे मोड पे भी चलाना है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, कहीं जल्दी पहुंचना है, तभी आप उसको तीसरे मोड पे उसको ड्राइव कीजिए या उसका जो हायर मोड होता है उस पे तभी ड्राइव करना। हर वक्त उसको आप अगर तीसरे मोड पे ही चलाओगे तो उसकी जो माइलेज आपको कभी सही नहीं आएगी और आपकी बैटरी पे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। दूसरी बात ये है कि उसकी एवरेज कम क्यों हो जाती है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो एवरेज है उसका कम होने का कारण यही रहता है कि अपना जो चलाने का उसको तरीका है, अगर आप शहर में ड्राइव करते हो तो उसमें शहर में पुल भी आने हैं, आप अपना पुल भी क्रॉस करते हो या कहीं कोई ढलान आ गई या कोई चढ़ाई आ गई, ऐसे में चलाओगे तो उसकी माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, आप सिंगल राइडर चला रहे हो या डबल राइडर चला रहे हो। अगर एक हम एवरेज बात कर लें कि आपका स्कूटर 60 किलोमीटर की माइलेज देता है और उसको अगर आप दो बंदे बैठ के चलाओगे तो वो 45 या 50 की एवरेज ही रह जाएगी, इतना फर्क पड़ता ही पड़ता है। और इसको चार्जिंग जो है, जो अभी मैंने आपको बताया कि चार्जिंग इसकी आपने अगर बिल्कुल 100% लेके जाते हो हर बार, तो भी उसकी धीरे 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 उसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए इसको कभी भी बिल्कुल अगर जरूरी ना हो तो इसको फुल चार्ज ना करें आप। बाकी आगे चलते हैं वीडियो में, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलाने का आपको तरीका भी बताते हैं कि इसको कैसे आपने चलाना है, और वैसे आप ड्राइव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी जो है वो भी बढ़िया रहेगी, आपकी माइलेज भी हमेशा अच्छी आएगी, आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी इसके बारे में। तो चलते हैं आगे, स्कूटर को ड्राइव करते हैं और आपको सारा तरीका बताते हैं चलाने का इसको। तो अभी दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। जैसे आप देख सकते हो अभी हमारा मॉडल जो है स्कूटर जो 66 वोल्ट पे है, थोड़ा वीडियो कट कट के आ रही है कि कैमरा में ये कैप्चर नहीं हो पाती। और सेल जो है इसके 3 सेल है, 0 किलोमीटर चली हुई है, पार्किंग मोड पे है ये। इसको भी हम चलाएंगे भी और सारा चलाते चलाते आपको एक एक्सपीरियंस देंगे कैसे होगा। अभी आप देख सकते हो 66 वोल्ट पे इसकी बैटरी चार्ज है, 66 वोल्ट तक इसकी बैटरी जो है वो चार्ज है इस वक्त।
तो आगे भी इसको भी करते हैं, चलाते हैं फिर दिखाते हैं आपको सारा, चलाते हैं इसको, थोड़ा सा पीछे से आवाज आएगी उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि रोड पे चलाना है तो थोड़ा बहुत साउंड का होता रहेगा। अभी चलाते हैं इसको, दिखाते हैं फिर आपको, आ जाओ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो अभी हमने अभी थोड़ा चला के लेके हैं, 65 वोल्ट पे अभी बैटरी इसकी है, तो इसको रेस देते हैं। आप रेस देंगे, फर्स्ट मोड पे हमने रख रखी है इसको, तो जैसे इसमें फर्क क्या पड़ता है, जितना वोल्टेज फास्ट डिप मारेगी उतना आपकी बैटरी जो है ये ज्यादा यूज करेगी इसमें। तो अभी आप देखिए, मैं अभी रेस देता हूँ इसको, चलाते हैं, आप देख सकते हैं अभी हमने एकदम से स्पीड पकड़ी है, 63 वोल्ट पे डिप जा रही है एकदम से ये। तो जैसे इसको हम एक जगह पे स्टेबल हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 34 की है फर्स्ट मोड पे, तो जैसे ये अगर एक जगह पे अब स्टेबल हो चुकी है, तो अभी दोबारा से ये 65 वोल्ट पे आ गई है। तो ऐसे इसको जो टोटल आपने कभी भी इमीडिएट नहीं देना है, अभी फर्स्ट मोड का अब आपको दिखाया, अभी सेकंड मोड पे अभी चलते चलते इसका जो दोबारा से अभी हम इसको सेकंड मोड पे सीधा थर्ड लगाते हैं, फर्स्ट आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा, थर्ड मोड लगाते हैं कि अभी चल रहा है, तो अभी एकदम से थर्ड मोड पे स्पीड दे रहे हैं, तो देखिए ये जो दोबारा से 63 पे चलते चलते पे डिप मार रही है। जितना इमीडिएट थ्रोटल देंगे आप उतना डिप मारेगी, जैसे इसकी आप रेस जो है एकदम स्टेबल आ जाएगी, तो दोबारा से ये अपना वोल्टेज वहीं पे सेम आ जाती है अपनी जगह पे, जैसे अभी ये 63 पे है, 64 पे हो गई, अभी अगर रेस स्टेबल हो गई तो 65 पे दोबारा से आ गई है। तो आप जितना इसको इमीडिएट थ्रोटल देंगे तो उतनी ज्यादा ये आपकी बैटरी जो है ये यूज करेगी, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि आप थर्ड मोड को है जो अवॉइड करना, कोई एमरजेंसी है तो थर्ड मोड पे आप चलाइएगा। जैसे अभी अगर थर्ड मोड पे फुल पकाते हैं दोबारा से, ये देखिए दोबारा से फिर 63 पे गई, रेस छोड़ी तो दोबारा 65 पे आ गई अपना। अभी आप देख सकते हैं मैं नॉर्मली इसको जो है इस सेकंड मोड पे अभी नॉर्मली आप देख सकते हैं चला रहा हूँ, तो ज्यादा नहीं 30 की स्पीड पकड़ रखी है और 64 वोल्ट पे जा रहा है ये नॉर्मल। तो जैसे इसकी बैटरी थोड़ी थोड़ी डिप हो रही, थोड़ा चला के भी लेके आ रहा है, वीडियो बीच में कट करके बना रहे हैं। अभी आगे आप सामने ना ब्रिज आ रहा है, तो उसके ऊपर भी इसको चढ़ाएंगे, तो आपको उसमें भी दिखाएंगे कि क्या कितना फर्क आता है वोल्टेज में, कितनी इमीडिएट आप थ्रोटल देके इसकी बैटरी जो है वो डिप जाएगी एकदम से वोल्टेज जो है वो भी। आगे इसमें पुल चढ़ा के फिर आपको दिखाते हैं सारा ये भी। अभी जैसे हमने थर्ड मोड पे किया था, ये 62 वोल्ट पे आ गई है, देखिए बैटरी सामने देख सकते हैं आप, पुल चढ़ रहा है, फुल थ्रोटल में हम चढ़ा रहे हैं, तो अभी वोल्टेज इसकी आएगी मीटर पे, ये देख सकते हैं आप 62 वोल्ट पे आ गई है। कि पुल चढ़ते वक्त अगर हम इसको स्पीड से चलाते हैं तो ये ऐसे डिप मारेगी, अभी रेस छोड़ेंगे दोबारा से 64 पे जा रही है। तो इससे अपनी बैटरी पे जो है वो फर्क पड़ेगा, इसकी माइलेज पे फर्क पड़ेगा कि जितना ज्यादा वोल्टेज डिप लेके जाओगे, इसको जितना हाथ को हल्का रख के चलाएंगे उतनी ज्यादा माइलेज इसमें आपको मिलेगी। अभी आप देखेंगे हम पुल से नीचे उतारेंगे तो दोबारा से वोल्टेज आप वहीं पे आ रही है 64 पे। तो वीडियो को दोस्तों चला करके दिखाने का मकसद हमारा यही था कि आपको बताएं कि कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपने चलाना है और जिससे आपकी माइलेज जो है वो बढ़िया बढ़िया निकल के आए आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की। और बाकी चार्जिंग का आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि आपने चार्जिंग उसको डाउन जो है वो 20% तक और मैक्सिमम उसका 90% तक, इससे ज़्यादा चार्ज अगर ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिएगा, उससे आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी रहेगी और बैटरी की माइलेज जो है वो भी अच्छी आएगी इसकी। तो जैसे आपने देखा थोड़ा शायद वीडियो में दिन का टाइम था, मीटर डिजिटल होता है, शायद वीडियो में ना कुछ क्लियर आया हो, लेकिन वोल्टेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि आपने देखा अगर 65 पे हमारा स्कूटर चार्ज था, उसको इमीडिएट थ्रोटल दे रहे थे, वो एकदम से डिप हो रहा था 62 वोल्ट पे, मतलब वो 3 वोल्ट जो था वो उसको यूज कर रहा था एकदम से पिकअप करने पे, और जब वो स्टेबल हो जाती थी तो दोबारा से वो 65 पे या 64 वोल्ट पे आ जाता था। तो इसको सही तरीके से अगर आप थ्रोटल को थोड़ा सा हल्का हाथ रख के चलाएंगे तो इसकी एवरेज जो माइलेज जो है ये आपको बढ़िया मिलेगी। तो ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे हमारे छोटे छोटे शॉर्ट्स ऐसे टिप्स दी होती हैं, वो इंस्टाग्राम चैनल को मैं लिंक लगा दूंगा, उसको भी आप जो है फॉलो कर लीजिएगा।
और ऐसी और वीडियोस उसमें देखते रहिएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं कर रखा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस को हो सके तो लाइक कर, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।